गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाई, जिसके संबंध में बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि यहां सीताराम भगवान की कथा चल रही है। उसी के बीच हमें पता चला कि यहां पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी महोत्सव चल रहा है। ये बाबा गुरु गोरखनाथ की धरती है, जहाँ पर उन्होंने भगवती माता ज्वाला देवी के निर्देश पर यहाँ पर विराजमान होकर अक्षय पात्र बगल में रख करके यहाँ पर तपस्या की। हमने गुरु गोरखनाथ भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि राम में सबकी आस्था है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सीताराम भगवान की कथा से कथा चल रही है, वो भव्य और दिव्य चल रही है। और उसी मध्य में उनको पता लगा कि यहाँ पर हर वर्ष का खिचड़ी महोत्सव चल रहा है, इसलिए जो है भगवान गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है, जहाँ पर उन्होंने भगवती माँ ज्वाला देवी के आमंत्रण पर यहाँ विराजमान होकर के अक्षय पात्र बगल में रख करके उन्होंने तपस्या की। भव्य और दिव्य श्री गोरखनाथ भगवान के चरणों को हमने दंडवत प्रणाम किया है। जनपद में 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अभी 20 से 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह का बने रहेगा और सुबह व शाम के समय शीतलहर बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि इस समय शीतलहर बनी हुई है, इसलिए बहुत आवश्यक हो तो तभी घर से बाहर निकलें और बच्चों को विशेष ध्यान रखें और गर्म पानी पिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अभी 20-21 तारीख तक इसी तरह से शीतलहर बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। येलो जोन में पूरे गोरखपुर रीजन को इसमें रखा गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी अगले 2-3 दिनों तक जो शीतलहर वो इसी प्रकार बनी रहेगी। सर नागरिकों, देखिए शीतलहर अपने उस पर है, पूरे शबाब पर है, तो इसलिए इस पर थोड़ा आदमी एहतियात बरते और जब कभी बाहर आप घर से निकलिए तो ज़रूर अपने कान को ढक करके सर को ढक करके निकले, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले। विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखें और शीतलहर में गर्म पेय का पदार्थ का ही प्रयोग करें, गर्म पानी पिए, इस प्रकार आप अपने आप को। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा महानगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी से मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके तहत यहाँ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और काव्य पाठ का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसके तहत ये मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है, जो कि लोगों को जागरूक करेगी कि यदि आप 18 वर्ष के हो गए तो जरूर वोटर बनकर मतदान करें, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, ये एक सप्ताह का 10 जनवरी से ही जो है मतदाता जागरूकता को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें हमारे यहाँ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, रंगोली प्रतियोगिता का, चित्रकला में जो है पोस्टर प्रतियोगिता और काव्य पाठ, उसी के तहत आज 19 जनवरी को ये रैली के साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन चेतना तिराहे पर छात्रों द्वारा किया जाएगा। ये बच्चे यहाँ से रैली के माध्यम से अपने बैंड के साथ निकलेंगे और चेतना तिराहे पर पहुँचेंगे, वहाँ नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा, उसके बाद से जो है कार्यक्रम का समापन होगा। किस तरह की रैली है ये? मतदाता जागरूकता, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, जो भी लोग 18 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुके हैं वो मतदाता बने और अपना वोट अवश्य डालें, इसको लेकर के मतदाताओं को जागरूक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर रेलवे स्टेशन तिराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने 420वीं श्रद्धांजलि दी है। महाराणा प्रताप ने पूरे सनातन धर्म के लिए अनेकों कार्य किए हैं, वो हमारे देश को नई दिशा देने का काम किया है, उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इसलिए हम सभी मिलकर अपने देश व समाज को मजबूत करें। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह व प्रदेश अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने कहा, पुण्यतिथि पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तरफ से हम लोग पुष्प अर्पित किए हैं और हम लोग महाप्रताप की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
आज क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? आज का दिन संदेश यह है कि हम लोग चाहते हैं कि महाप्रताप की पूर्णतिथि पे शपथ लें कि हम लोग उनको आदर्श मान के और क्षत्रिय समाज उस पर काम करें। सुनील कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। सभा के पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष के जी प्रदेश अध्यक्ष जो है आज के पावन पर महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम उपस्थित होकर के उनको 420वीं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी हमारे क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। अगर महाराणा प्रताप नहीं रहते तो हमारे देश में सनातन जिंदा सनातन धर्म ही नहीं रहता। हम लोग कई मंदिरों में नमाज पढ़ रहे होते। इसलिए वो हमारे देश के ऐसे प्रेरणा रहे हैं जिससे हम लोग हमारे समाज को एक नई दिशा और राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो उनका प्रेम था, वह हमारे कोल भीलों के साथ लड़ करके, जंगली लोगों के साथ लड़ करके मुगलों से लोहा लिए, उसके लिए हम लोग जितना भी करें कम है। मैं अपने समाज को या अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग मिल करके अपने देश को मजबूत करें और अपने क्षत्रिय समाज को मजबूत करें और एक नई दशा और दिशा देने का हम लोग प्रयास करें। मेरा नाम उग्रसेन सिंह, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र में ठंड में भी नागरिकों की भीड़ देखने को मिली है, जिसके संबंध में नागरिक धर्म सिंह ने बताया कि हम पहली बार यहां आए हैं और जब अंदर आए हैं तो ये सब जानवर देखने को मिला है। इसमें घड़ियाल, शेर, चीता, भालू, सांप सहित अन्य जानवरों को देखने को मिला है। यहां का माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। इससे पहले हम लोग लखनऊ में जू घूमने जाते थे, लेकिन अब गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। रिपोर्टर सब आए। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए प्राणी उद्यान घूमने आए नागरिकों ने कहा, सर काफ़ी अच्छा था। जहां तक कि शुरुआत में तो हमें उतना कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए काफ़ी अच्छा लगने लगा। जितने भी जानवर एनिमल चाहिए वो लगभग सब कुछ है यहां पे। जैसे कि मान लीजिए टाइगर हो गया या मगरमच्छ हो गया या घड़ियाल हो गया, तो कुल मिला जुला के अपने गोरखपुर के लिए या अन्य जगह के लिए भी ये एक चिड़ियाघर काफ़ी अच्छा है। बाहरी जगह से मतलब तुलना में कितना? बाहरी जगह से सर अभी तो अपने लोकल में जैसे गोरखपुर में कहा जाए तो सबसे बेहतर गोरखपुर का ही कहा जाएगा। और जगह में ही है, इधर तो कहीं है नहीं? नहीं सर, इसके बाद तो लखनऊ में ही है, बाकी जगह इधर कहीं नहीं है। यहाँ पे एक माहौल कैसा रहा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से है। पहली बार आए किससे पहले बार? जी हम लोग तो काफ़ी दूर से आए हैं, लगभग देवरिया के लास्ट से हम लोग पकाह घाट के रहने वाले हैं, तो हम लोग लगभग यहाँ आने में 2 घंटा लग जाता है, लेकिन हम लोग अभी पहली बार आए हैं। क्या नाम आपको? जी सर मेरा नाम धर्म सिंह। आज आप जो घूमने आए क्या क्या आपने देखा? मतलब गांव के अगर लहजे से देखा जाए तो यहाँ का जो मतलब ये चिड़ियाघर है मतलब काफ़ी अच्छा है। हाँ नहीं तो मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि यार चिड़ियाघर जाना है चिड़िया, बट इतना अच्छा सुविधा गोरखपुर में है कि हमें चिड़ियाघर मिल रहा है।
वैसे हम बहुत दूर से आए हैं देवरिया के लास्ट से। पूछिए तो क्या क्या आपने देखा यहाँ पे? क्या क्या देखिए, टाइगर, शेर, चीता, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग और गेंडा, बाकी आगे देखेंगे। कैसा लगा आते हैं? अच्छा लगा। क्या नाम आपका? गुड़िया।